हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल आई एम रश्मि योर मैथ्स टीचर तो इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास नाइन्थ एन बुक के चैप्टर थ्री के ऑल एग्जाम्पल चार एग्जाम्पल है चारों हम इसी वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं तो सी फिगर एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट तो आपको यहाँ पे ये फिगर ये दिया हुआ है ग्राफ हमें दिया हुआ है बट ये ए बी ये बी एम एस एल इनके कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पे गिवन नहीं है वही हमें फाइंड करना है तो द एप्सिसा एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट बी आर एप्सिसा मतलब एक्स एक्सिस का पॉइंट ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस का पॉइंट तो इन दोनों को यहाँ पे लिखना है रेस्पेक्टिवली हैंड्स द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी दोनों को जब हम एक साथ लिखते हैं इस तरह कॉमा लिखा के तो वो हमारा बन जाता है कोऑर्डिनेट तो वन बाय वन हम चारों के लिख लेते हैं उसके बाद हम इसमें फिल कर लेते हैं तो यहाँ देखो सबसे पहले हम लिखते हैं बी का कॉर्डिनेट तो बी का कॉर्डिनेट आपका कैसे आएगा तो हमेशा आपको ऑरिजन से स्टार्ट करना है ओके okay? तो ये हमारा ऑरिजन हो गया हम हॉरिजॉन्टल जो भी चलेंगे वो एक्स एक्सिस का कॉर्डिनेट uh, होगा और वर्टिकल जितना भी चलेंगे वो आपका वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट होगा तो देखो ये हमें बी तक आना है लाइन आपको यहाँ दिख रही है तो देखो मैं यहाँ से कितना चल रही हूँ जीरो पे हूँ भी वन टू थ्री फोर हॉरिजॉन्टल हम चले हैं फोर स्टेप तो एक्स एक्सिस का कॉर्डिनेट कितना हो गया फोर हो गया कॉमा अब बी पॉइंट तक जाने के लिए यानी कि अगर आप यहाँ से भी देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक चले तो देखो फोर स्टेप ही चले अब यहाँ से इस पॉइंट की यहाँ से देखो तो ठीक है अदरवाइज आप यहाँ से सिर्फ ये देखो ऑरिजन से हम इस पॉइंट तक आने के लिए कितना चले तो ऑरिजन से हम चले वन टू थ्री फोर चले अब वाई एक्स इस पॉइंट पर आने के लिए अब हम वर्टिकल चलना पड़ेगा तो वर्टिकल आप यहाँ से कितना चलोगे तो इसको देखते जाओ यहाँ तक आने के लिए हम चले हैं वन टू थ्री चले ये देखो थ्री यहाँ चाहे इस पॉइंट की बात करो चाहे इस पॉइंट की बात करो एक ही बात है तो बी के कॉर्डिनेट हो गए आपके यहाँ फोर कॉमा थ्री इस तरफ हम फोर चले इस तरफ हम यहां पे थ्री चले हैं ये देखो नहीं समझ में आ रहा तो ये यह देखो यहां से यहां के लिए हम चले हैं फोर स्टेप और यहां से यहां के लिए हम चले हैं थ्री स्टेप तो ये इस ये लाइन इसके पैरल है ये लाइन इसके पैरल है ओके नाउ नेक्स्ट अब हम यहाँ पे देखते हैं एम पॉइंट के लिए तो एम पॉइंट के लिए अब आप नेगेटिव में चले तो नेगेटिव ही लिखना है तो पहले एक्स कॉर्डिनेट देख लेते हैं तो एक्स कॉर्डिनेट के लिए हम चले हैं यहाँ से वन टू थ्री स्टेप चले थ्री स्टेप चले लेकिन नेगेटिव से है तो यहाँ नेगेटिव लग जाएगा कॉमन नेगेटिव पॉजिटिव से आपका कॉर्डिनेट पता चलता है फर्स्ट क्वार्डन में सेकेंड क्वारेंट में थर्ड में या फोर्थ में है क्वारिट का नॉलेज हमें यहाँ पे साइन से होता है अब वाई के लिए कितना चले तो वाई के लिए हम चले हैं यहाँ से यहाँ तक वन टू थ्री फोर तो Y के लिए हम वर्टिकली चले हैं फोर स्टेप ओके तो ये M के कॉर्डिनेट हो गए नाउ L के लिए L के लिए अभी यहां से जीरो जीरो तो हम पहले हॉरिजेंटल कितना चल रहे हैं? वन टू थ्री फोर फाइव चल रहे यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट हो गया आपका यहाँ पे माइनस फाइव अब वर्टिकल कितना चल रहा है तो चाहे वर्टिकल अपर साइड हो चाहे डाउन साइड हो तो हम चल रहे हैं माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर तो इसके कोऑर्डिनेट आपके यहाँ पे हो गए माइनस फाइव माइनस फोर हो गए ना एस के लिए देखते हैं पॉजिटिव होगा तो जीरो से हम यहाँ पे चल रहे हैं वन टू थ्री तो जितना हम यहाँ से यहाँ तक चले उतना ही हम यहाँ से यहाँ तक चले तो एक्स कोऑर्डिनेट आपका कितना हो गया यहाँ से थ्री हो गया ओके okay, फिर नेक्स्ट आप वाई एक्सिस के लिए कितना चले तो यहां पे देखो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर तो ये हो गया आपका यहाँ पे माइनस फोर हो गया तो इस तरह से एक्स एक्सिस के लिए आपको चलना है एक्सिस के लिए चलना है आपको वर्टिकल तो अगर मुझे ये पॉइंट पे प्लॉट भी करना होता मुझे लेट की थ्री माइनस फोर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो एक्स के लिए आप यहाँ से यहाँ तक थ्री चल लोगे वाई के लिए यहां से यहां तक चल लोगे बस ये वाला पॉइंट हमें यहाँ पे मिल गया अब इस पॉइंट को आप इधर और इधर ड्रॉ कर लो तो अब आप यहाँ पे आंसर लिख लो दी सर हमेशा यहाँ पे एफ पहले पूछा है तो इसका एफ सीसा कौन होगा एक्स एक्सिस वाला तो बी का एफ यहाँ पे कौन है फोर है एंड ऑर्डिनेट वाई वाला तो ऑर्डिनेट आपका यहाँ पे कितना है थ्री है तो यही आपका क्वेश्चन है सी सा पूछा है तो एक्स वाला पहले वाला लिखना है ऑर्डिनेट पूछा है तो सेकंड वाला लिखना है तो बी के कोऑर्डिनेट कितने हो गए फोर कॉमा थ्री हो गए फिर वाई फिर आपको यहाँ पे पूछा है एम के लिए तो एम के लिए एफ सी सा कितना है पहले एफ सी साइड एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट देखो चाहे एफ सी सा पूछे तो x हो गया ऑर्डिनेट पूछे तो y हो गया अब x कोऑर्डिनेट पूछा है तो सीधा यहाँ पे x कोऑर्डिनेट हो गया एक्स इसका क्या है माइनस थ्री और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है फोर तो ऑर्डर का ध्यान रखना जैसे पूछा है आपको वैसे ही लिखना है माइनस थ्री फोर हो गया फिर एल के लिए एक्स कोऑर्डिनेट तो एल के लिए आपका यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना है माइनस फाइव और वाई कोऑर्डिनेट कितना है माइनस फोर तो ये हो गया माइनस फाइव माइनस फोर तो यहाँ पर की फॉर्म भी लिख लेते हैं माइनस फोर और लास्ट आपका यहाँ पे एस तो एस के लिए थ्री कॉमा माइनस फोर तो एक्स कॉर्डिनेट पहले तो पहले यहाँ थ्री लिख लिया देन माइनस फोर तो उसके कॉर्डिनेट हो गए थ्री और माइनस फोर ओके तो सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल ऑब्जेक्टिव में आपका आ सकता है नाउ सेकंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड इज राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स मार्क्ड ऑन द एक्सेस तो अब आप यहाँ पे ये जो भी एक्सेस ये फिगर आपको क्वेश्चन में गिवन है ना एक्सेस पे जो भी ये मार्क किए हुआ है ए बी सी डी ई इनके आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स फाइंड करके बताने हैं ओके तो एक्सेस पे आप यहाँ पे देखोगे एक्सेस पे जब भी कोई आपका पॉइंट है तो या तो आप वर्टिकल चलोगे या आप हॉरिजोंटल चलोगे दोनों अगर आप चल रहे हो तो वो क्वार्डन में चला जाता है मैं हॉरीजोंटल भी चल रही हूँ मैं वर्टिकल भी चल रही हूँ तो वो आपका पॉइंट क्वार्डन के अंदर आएगा फर्स्ट Second, third, fourth, किसी भी सकता है। लेकिन अगर सिर्फ पॉइंट तो के लिए हॉरिजोंटल तो 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 चलेंगे तो एक्स एक्सिस आएगा और वर्टिकल चलेंगे तो वाई एक्सिस आएगा और जो जो पॉइंट हम जिस जो अगर वाई के लिए नहीं चल रहे हैं तो वाई कोऑर्डिनेट आपका यहाँ पे जीरो हो जाएगा तो यहाँ सबसे पहले ए के कोऑर्डिनेट हमें लिखना है तो के लिए पहले देखो हम ऑरिजन से कैसे चल रहे हैं ऑरिजेंटल चलेंगे इस पॉइंट पे आने के लिए हमें इस तरह से ओरिजेंटल चलना पड़ेगा तो ओनली एक्स एक्सिस आएगा वाई कोऑर्डिनेट इसका एक्स कोऑर्डिनेट आएगा वाई कोऑर्डिनेट इसका जीरो हो जाएगा ओके तो देखो कितना चल रहे हैं वन टू थ्री फोर हमें फोर पॉइंट फोर के ऊपर ही है फोर तक हम चले तो एक्स कोऑर्डिनेट आपका यहाँ पे हो गया फोर अब यहाँ पे हाइट तो कुछ है ही नहीं वर्टिकल तो कुछ है ही नहीं क्योंकि तो एक्सिस के ऊपर ही है तो वाई कोऑर्डिनेट इसका यहाँ पे कितना हो गया जीरो हो गया ना नेक्स्ट बी का कॉर्डिनेट लिखते हैं तो ये ऑरिजन है ऑरिजिन से अब हम कितना चल रहे हैं देखो ऑरिजेंटल न तो हम इस तरफ जा रहे हैं ना हम इस तरफ जा रहे हैं हम तो सीधा बस ऊपर ही जा रहे हैं तो एक्स कॉर्डिनेट आपका यहाँ पे हो गया जीरो वाई के लिए हम वर्टिकल चल रहे हैं तो वन टू थ्री तो बी के कॉर्डिनेट कितना हो गया जीरो

जीरो ओके okay? फिर नेक्स्ट आपका डी डी के लिए आप यहां पे कितना चले हो तो ये ऑरिजन है ऑरिजन से हम यहां पे एक्स के लिए तो चल ही नहीं रहे क्योंकि हम तो सिर्फ वर्टिकल चल रहे हैं तो वर्टिकल डाउन साइड चल रहे हैं तो एक्स कॉर्डिनेट इसका हो गया जीरो और वाई कितना होगा वन टू थ्री फोर तो ये हो गया नेगेटिव में फोर हो गया जीरो कॉमा माइनस फोर लास्ट आपका ई e कॉर्डिनेट रहा तो ई e कॉर्डिनेट एक्स एक्सिस पे तो वाई आपका यहाँ पे वैसे ही जीरो हो जाएगा और ये वाला पॉइंट है पॉइंट के कॉर्डिनेट आपको यहाँ पे केवन है टू बाय थ्री तो ई का कॉर्डिनेट हो गया टू बाय थ्री कॉमा जीरो हो गया तो ये तो बहुत सिंपल है जैसे जैसे आप चले हो वैसे लिख दो जो नहीं चले उसको आप जीरो कर दो नाउ नेक्स्ट देखते हैं थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री इज लोकेट द पॉइंट्स फाइव कामा जीरो जीरो कामा फाइव टू कामा फाइव फाइव कामा टू माइनस थ्री कामा फाइव माइनस थ्री कामा माइनस फाइव फाइव कामा माइनस थ्री एंड सिक्स कामा वन इन द कार्टीजन प्लेन कार्टीजन प्लेन मतलब क्या आपको ग्राफ में ये पॉइंट्स को प्लॉट करना है तो मैंने ये ग्राफ पेपर ले लिया मैंने एक्सिस में एक्सिस भी ड्रॉ कर लिया ओके okay? तो अगर आप स्केल की बात करो तो यहाँ पे वन सेंटीमीटर इक्वल टू वन यूनिट है ओके okay, क्योंकि ओरिजिन से सब पे वन वन सेंटीमीटर का है और वन बॉक्स जो है वो वन सेंटीमीटर के इक्वल है तो यहाँ पे वन सेंटीमीटर इक्वल टू वन यूनिट ले लिया नाउ अब आप यहाँ पे हम पॉइंट्स uh, प्लॉट कर रहे हैं पहला है फाइव कॉमा जीरो तो अब आप इसके लिए देखना है इसके लिए आपको हॉरिजॉन्टल चलना है फर्स्ट पॉइंट के लिए हॉरिजॉन्टल चलना है और इसके लिए आपको यहाँ पे वर्टिकल चलना है चाहे अपर साइड चलो चाहे डाउन साउड चलो और इसके लिए हॉरिजॉन्टल लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों चल सकते हैं तो फाइव कॉमा जीरो तो हमेशा ऑरिजन से हम स्टार्ट करेंगे तो ये आपका यहाँ पे ओरिजन गया फाइव पॉजिटिव है तो आपको इस तरफ चलना है नेगेटिव है तो इस तरफ चलना है तो ये हो गया हमारा वन टू थ्री फोर फाइव और वाई पॉइंट क्या है वाई पॉइंट आपका यहाँ पे जीरो है वाई कोऑर्डिनेट आपका कितना है ज़ीरो है ना जीरो है मतलब आपको वर्टिकल चलना ही नहीं है तो ये जो आपका पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट यानी इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना है फाइव कॉमा जीरो हो गया ओके okay, फिर नेक्स्ट आपका कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है जीरो कॉमा फाइव जीरो कॉमा फाइव इसका मतलब क्या है ये ओरिजिन हो गया अब आपको एक्स कॉर्डिनेट जीरो है, मतलब कि आपको हॉरिजॉन्टल तो चलना ही नहीं है ना इधर जाना ना इधर जाना ओनली आपको वर्टिकल चलना है वर्टिकल कितना चलना है जीरो कॉमा फाइव है ना नेक्स्ट पॉइंट तो हम एक्स एक्सिस पे नहीं चलेंगे ओनली वाई पे चलेंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव पॉजिटिव फाइव है तो ये हमने एक्स के लिए तो हॉरिजॉन्टल तो बिल्कुल नहीं चले इसलिए जीरो और वर्टिकल हम चले हैं फाइव स्टेप इसलिए जीरो कॉमा फाइव हो गया फिर नेक्स्ट आप यहाँ देखो 2.5 तो अब यहाँ देखो ऑरिजन पे खड़े हैं टू हमारा पॉइंट है तो एक्स के लिए हम चलेंगे टू स्टेप तो ऑरिजेंटल चले वन टू तो ये टू चल रही अब आपको वाई के लिए वर्टिकल चलना है पॉजिटिव है तो हम यहाँ पे ऊपर की तरफ चलेंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे क्या हो गया ये हमें मिल गया टू क्योंकि हम यहाँ से एक्स एक्सिस पे टू स्टेप चलें और वाई वर्टिकली हम फाइव स्टेप चलें तो ये पॉइंट हो गया जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं यहाँ से देखो अब मैं इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन करूँ तो ये टू पे ज्वाइन होना चाहिए एक्स एक्सिस पे टू पे ज्वाइन होना चाहिए और वाई एक्सिस पे फाइव पे ज्वाइन होना चाहिए और अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो ये तो एक्सिस के ऊपर ही एक्सिस पे वाई एक्सिस पे एक्स जीरो होता है एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होता है फिर नेक्स्ट आपका थर्ड हो गया नाउ नेक्स्ट इज आपका यहाँ पे फाइव कॉमर टू तो अब एक्स एक्सिस के लिए आपको कितना चलना है पहले फाइव है तो फाइव स्टेप चलो वन टू थ्री फोर फाइव और टू तो वर्टिकली आपको कितना चलना है वन टू तो ये कोऑर्डिनेट हो गए आपके यहाँ पे फाइव कॉमा टू अब मैं इसको ज्वाइन करती हूँ देखो एक्स पहला फाइव है ना तो ये फाइव पे एक्स एक्सिस पे फाइव को ज्वाइन करेगा और वाई एक्सिस पे ये टू को ज्वाइन करेगा ओके फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे माइनस थ्री कॉमा फाइव आप देखो माइनस है तो पहले एक्स एक्सिस का माइनस आ रहा है पॉइंट हमारा यहाँ पे क्या है माइनस थ्री कॉमा फाइव है तो एक्स के लिए पहले चलना है माइनस थ्री मतलब कि साइन जो है वो आपको डायरेक्शन दिखा रहा है कि अगर पॉजिटिव साइन है तो राइट में चलो नेगेटिव साइन है तो लेफ्ट में चलो तो माइनस थ्री यानी थ्री स्टेप चले वन टू थ्री तो ये माइनस थ्री हो गया अब आपको चलना है फाइव स्टेप वर्टिकल वन टू थ्री फोर फाइव तो ये हो गया आपका यहाँ पे पॉइंट माइनस थ्री कॉमा फाइव हो गया ओके okay? फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका यहाँ पे माइनस थ्री कॉमा माइनस थ्री यानी दोनों ही नेगेटिव है तो दोनों ही नेगेटिव पहले हम x एक्सिस पे चलते हैं माइनस थ्री तो थ्री स्टेप चले वन टू थ्री अब y एक्सिस का कोऑर्डिनेट है माइनस फाइव तो माइनस है तो नीचे की तरफ चलना है तो वन टू थ्री फोर फाइव तो ये वाला हमारा कोऑर्डिनेट हो गया अगर मैं इसको ज्वाइन करती हूँ तो ये माइनस थ्री को ज्वाइन करेगा एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे माइनस फाइव को ज्वाइन करेगा तो माइनस थ्री कॉमा माइनस फाइव इसकी कॉर्डिनेट हो गया नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे है फाइव कॉमा माइनस थ्री तो फाइव कॉमा माइनस थ्री को देखते हैं तो फाइव आपका यहाँ पे कोऑर्डिनेट है फाइव कॉमा माइनस थ्री एक्स वाला पॉजिटिव है पॉजिटिव है तो हम राइट साइड चलेंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव चलिए और वाई का कोऑर्डिनेट क्या है माइनस थ्री माइनस है मतलब नीचे की तरफ जाना है तो वन टू थ्री तो ये पॉइंट हमें यहाँ पे मिल गया इसको ज्वाइन करेंगे तो फाइव और ये हो गया माइनस थ्री फाइव कॉमा माइनस थ्री हो गया फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे है लास्ट है सिक्स कॉमा वन तो ये हमने चला सिक्स कॉमा वन है तो दोनों ही आपके यहाँ पे पॉजिटिव है तो पहले आपका सिक्स है तो पहले हॉरिजॉन्टल चलो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे नहीं लिखा तो हम सिक्स लिख लेते हैं ओके तो ये हो गया हमारा सिक्स और वन तो वन आपको यहाँ पे कहाँ चलना है एक स्टेप ऊपर चलना है तो ये कॉर्डिनेट आपका यहाँ पे हो गया सिक्स कॉम वन तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा फर्स्ट कॉर्डिनेट के लिए हम हॉरिजॉन्टल चलें और सेकंड कॉर्डिनेट के लिए हम वर्टिकल चलें अब अगर मैं इसको यहाँ पे ज्वाइन करती हूँ तो एक्स एक्सिस पे सी सिक्स पे ज्वाइन होगा और वाई एक्सिस पे वन पे ज्वाइन होगा इस तरह से हमने यहाँ पे सारे कॉर्डिनेट्स को प्लॉट कर लिया ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बिल्कुल ऐसे ही जहाँ पर भी हमें इस तरह से ग्राफ बना के और उसमें पॉइंट्स को प्लॉट करना है क्वेश्चन इज प्लॉट द फॉलोइंग ऑर्डर पेयर एक्स वाई ऑफ नंबर एज पॉइंट इन द कार्टिशन प्लेन यूजिंग द स्केल यूज द स्केल वन सेंटीमीटर इक्वल टू वन यूनिट ऑन द एक्सिस तो सेम वही क्वेश्चन है जो अभी हमने यहाँ पे सॉल्व किया था तो ये मैंने यहाँ पे ड्रा ग्राफ ड्रॉ कर लिया है एक्सिस ड्रॉ कर लिया है और यहाँ से यहाँ तक मैंने वन सेंटीमीटर एक ब्लॉक वन सेंटीमीटर का रखा है तो स्केल आपका यहाँ पे क्या हो गया वन सेंटीमीटर आपका यहाँ पे वन यूनिट के हो गया वन बॉक्स के इक्वल है ओके नाउ अब आपने एक्स एक्सेस ये हमारी हो गई ये हमारी हो गई एक्स एक्सेज और ये हो गए हमारे यहाँ पे वाई एक्सेज हो गए ओके okay, तो यहाँ पे आप पॉइंट्स को देख लो मैक्सिमम वाई सेवन पे है पॉजिटिव सेवन में तो मैंने सेवन तक ले लिया मिनिमम आपका माइनस थ्री पॉइंट फाइव है यानी कि डाउन साइड नेगेटिव में माइनस थ्री पॉइंट फाइव है तो मैंने यहाँ पे माइनस फोर तक ले लिया फिर एक्स uh, के अंदर क्योंकि ये पता नहीं चलता कितने पॉइंट्स लेने प्लस फोर प्लस में फोर तक लेना है माइनस में माइनस थ्री तक आपको लेना है तो फर्स्ट पॉइंट है माइनस थ्री कॉमस सेवन तो आप यहाँ पे देखो माइनस थ्री तो एक्स के लिए फर्स्ट हमें ओरिजिन पे खड़े रहना है ओरिजिन से इसने कहा माइनस थ्री कॉमस सेवन चलो तो माइनस थ्री हम कैसे चलेंगे माइनस थ्री हम चलेंगे एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड में ओरिजिन के लेफ्ट साइड में तो वन टू थ्री तो ये हो गया माइनस थ्री अब वाई वाई वा, 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 वा कोऑर्डिनेट क्या है सेवन है सेवन है तो हमें वर्टिकल चलना है पॉजिटिव है इसलिए ऊपर की तरफ चलेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो ये आपका पॉइंट हो गया यहाँ पे माइनस थ्री कॉमस सेवन हो गया ओके okay? तो so, ये हमने यहां पे कॉर्डिनेट लिख दिया नाउ नेक्स्ट आपका यहां पे कॉर्डिनेट क्या है जीरो और माइनस थ्री पॉइंट फाइव अब एक्स एक्सेस ऑरिजन पे खड़े हमारा हॉरिजॉन्टल पॉइंट जो है एक्स एक्स एफ सी सा है या एक्स कॉर्डिनेट हमारा जीरो है तो हमें यहाँ पे हॉरिजॉन्टल नहीं चलना है ना लेफ्ट जाना है ना राइट right जाना है सिर्फ हमें यहाँ पे क्या चलना है माइनस का थ्री पॉइंट फाइव वाई तो वर्टिकल ही चलना है वर्टिकल भी अब कितना हमें चलना है माइनस का थ्री पॉइंट फाइव तो नेगेटिव है इसलिए हम नीचे की तरफ जाएंगे माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री और ये पॉइंट हमारा यहाँ पे हो जाएगा माइनस का थ्री पॉइंट फाइव यानी कि थ्री पॉइंट वन थ्री पॉइंट टू थ्री पॉइंट फोर थ्री पॉइंट फाइव ये तो इसके कॉर्डिनेट कितने हुए x हम बिल्कुल नहीं चले x कोऑर्डिनेट हो गया जीरो और y हम चले हैं वर्टिकल चले हैं तो वर्टिकल हम माइनस थ्री पॉइंट फाइव चले ओके तो सिंपल नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे टू कॉम माइनस थ्री तो अब ऑरिजिन पे खड़े हैं टू है पॉजिटिव है तो हम राइट साइड जाएंगे तो वन टू और इसका y कोऑर्डिनेट है माइनस थ्री तो माइनस थ्री के लिए आप यहाँ पे कहाँ जाओगे नीचे की तरफ ठीक है तो ये हो गया माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री तो ये पॉइंट हो गया आपका यहाँ पे टू कॉम माइनस थ्री हो गया ठीक है तो इस तरह से आपको पॉइंट्स को प्लॉट करना है पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखते हुए लेफ्ट जाना है राइट right जाना है वो आपको यहाँ पे देख लेना है ओके नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे फोर फोर नेक्स्ट कॉर्डिनेट आपका यहाँ पे कितना है फोर फोर तो एक्स भी फोर चलना है वाई भी फोर दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इसलिए राइट साइड वन टू थ्री फोर और वाई का कॉर्डिनेट भी आपका पॉजिटिव है तो वन टू थ्री फोर चलिए तो ये यह हमारा यहाँ पे हो गया फोर कॉमा फोर और अगर आपको इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है तो आप पॉइंट्स देख लो एक्स एक्सिस पे फोर का है ये रहा वाई एक्सिस पे फोर का है ये रहा इस यहाँ पे इस यहाँ से आप यहाँ पे ड्रॉ करो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन यहाँ से ड्रॉ करो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन तो जो भी यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे ना वो कॉर्डिनेट आपका ओ... ओ... फोर फोर हो जाएगा या जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो आपका कॉर्डिनेट हो जाएगा माइनस वन माइनस थ्री तो एक्स से कितना चलना है हमें माइनस वन चलिए वाई के लिए माइनस थ्री तो डाउन साइड चलना है माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री साइन आपको यहाँ पे दिखा रहा है कौन सी डायरेक्शन में जाना है तो ये कॉर्डिनेट हो गया माइनस वन माइनस थ्री हो गया ठीक है तो इस तरह से हमने यहाँ पे कितने पॉइंट्स दिए थे फाइव पॉइंट हमें दिए हुए थे हमने यहाँ पे फाइव प्लॉट कर लिए वन टू थ्री फोर और ये रहा आपका फाइव तो इस तरह से आपको क्वेश्चन में कॉर्डिनेट यहाँ ग्राफ में आपको कार्टिजन प्लेन में इनको प्लॉट करना है कॉर्डिनेट्स को ओके okay? तो बहुत सिंपल है पॉइंट्स यहाँ पे प्लॉट करना है एक स्टेप हॉरिजॉन्टल में जाना है एक फर्स्ट वाले कॉर्डिनेट के लिए हॉरिजॉन्टल चलना है और सेकेंड वाले कोर्डिनेट के लिए आपको वर्टिकल चलना है ओके okay? तो इसमें एक्सरसाइज में हमारे पास चार ही एग्जाम्पल थे चारों मैंने आपको यहाँ पे समझा दी अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें थैंक यू